नमस्कार, मैं आपको बता दूं, आज यहाँ लखीमपुर में कम से कम 5 जगह जो एक हाथी पाँव जिसको हम बोला करते हैं उसके कैंप्स लगे हुए हैं। जैसा कि मैंने अभी यहाँ पे बात की, इन्होंने बताया कि हाथी एक पाँव का मर्ज एक मच्छर के पर्टिकुलर एक मच्छर के काटने से होता है जो गंदे पानी में पाया जाता है। उसके लिए केंद्र सरकार ने एक योजना चलाई है कि जगह जगह पे इस तरह के कैंप लगाकर अपने देशवासियों को, अपने लोगों को सुरक्षित करना है हाथी पाँव जैसे मर्ज से। तो इसके बारे में एक ये सरकार की तरफ से उठाया गया एक अच्छा कदम। सरकार ने लोगों को यहाँ पे एक जागरूकता अभियान भी आप कह सकते हैं, एक जागरूकता अभियान चलाया हुआ है। लोगों को यहाँ पे दवाएं पिलाई जा रही हैं। सरकार ने एक हाथी पाँव से बचने के लिए, लोगों को बचाने के लिए एक अच्छी योजना लाई हुई है, जिसके तहत यहाँ पे पूरे शहर में कैंप्स लगे हुए हैं। 5 कैंप लगे हैं। एक कैंप आप रेलवे स्टेशन पे देख सकते हैं, जिला महिला अस्पताल में, और ये रोडवेज बस स्टेशन के अंदर भी एक कैंप लगा हुआ है। इसके अलावा शहर के मुख्य मार्गों पर भी आपको ये कैंप मिल सकता है, वहाँ पे जाके आप हाथी पाँव से बचने के लिए दवा पी सकते हैं। इससे पहले जैसे देश में पोलियो चल रहा था, तो पोलियो के लिए सरकार ने जनता को जागरूक किया। जागरूक करने के बाद आज हिंदुस्तान से पोलियो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, पोलियो निकल चुका है। इसी तरह से ये सरकार का एक बड़ा कदम, सरकार की एक बड़ी योजना इस चीज़ को लेके कि हाथी पाँव जो एक मर्ज बढ़ता जा रहा है, उस मर्ज को हम पहले से उसकी दवा और उसके बारे में लोगों को जागरूक करें, जिससे ये मर्ज देश की इस मर्ज से देश की जनता सुरक्षित रह सके। स्वतंत्र प्रभाग के लिए अब्दुल कादिर। डॉक्टर साहब, फाइलेरिया के कैंप्स लगे हुए हैं शहर में, तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा क्या फाइलेरिया कुछ इस तरह से बढ़ रहा है देश में, जिससे आपने ये जागरूकता अभियान जैसे चलाया हुआ। देखिए, फाइलेरिया को उन्मूलन का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है, तो उस दिशा में जनपद में IDA कैंपेन चल रहा है, जिसमें 1 वर्ष से ऊपर की आयु के सभी व्यक्तियों को औषधियां खिलाई जा रही हैं, जिसमें एल्बेंडाजॉल, आइवरमेक्टिन और डाईथाइल कार्बामेजिन, ये 3 औषधियाँ दी जा रही हैं। और ये कैंपेन 10 अगस्त से शुरू होकर 28 अगस्त तक चला है जनपद में। इसमें काफ़ी बड़ी संख्या में जनपद वासियों ने इन दवाओं का सेवन किया है। अब मुझे ये खुशी है आपके माध्यम से जन सामान्य को ये बताने के लिए कि अगर आप दवा खाने से वंचित रह गए हैं, तो इसका मॉपअप चरण शुरू किया गया है आज से, 29 अगस्त से 2 सितंबर के मध्य ये मॉपअप चरण है। यदि आप इस पूर्व में आपने ये दवा खाने से वंचित रह गए हैं, तो कृपया इस अवधि में अपने क्षेत्र की आशा या स्वास्थ्य कार्यकर्ता से संपर्क कर ये दवा प्राप्त करके इसका सेवन सुनिश्चित करें। अच्छा, ये सिर्फ शहर में है या कि गांव वगैरह में डोर टू डोर ऐसा कुछ भी चल रहा है, जैसे इससे पहले पूर्वी में चलता? ये डोर टू डोर कैंपेन किया जा रहा है। इसके अलावा हमारे CHCs पे भी बूथ एस्टेब्लिश्ड हैं, और इसमें चूंकि सभी जनपदवासियों को कवर किया जाना है, तो डोर टू डोर ये कैंपेन चलाया है, और मॉपअप में अब जो छूटे हुए लोग हैं उनको कवर किया जाएगा। इसके लिए अक्सर फाइलेरिया जैसे इसके लिए बहुत ज़्यादा जागरूक करने की, क्योंकि मैं आज कैंप गया था तो वहाँ पे लोग थोड़ा सा अवॉइड भी कर रहे हैं इसको कि नहीं, मुझे तो है नहीं, मैं इस तरह से क्यों लूँगा, तो इसके लिए क्या कोई टीम आपकी है जो उनको इस तरह से समझा सके कि नहीं? हमारे जो स्वास्थ्यकर्ता जो घर घर इस अभियान में काम कर रहे हैं, उनको इस विषय में ट्रेनिंग दी गई है कि इसके इन दवाओं के फायदे के बारे में जनता को जागरूक किया जाए। इसके अलावा विभिन्न प्रचार प्रसार के माध्यमों से भी हम लोगों ने इसमें जागरूकता उत्पन्न करने की कोशिश करी है, और मुझे आप मीडिया बंधुओं का भी सहयोग इसमें अपेक्षित। डॉक्टर साहब, आजकल आपके फाइलेरिया को लेके काफ़ी कैंपिंग वगैरह चल रही है, क्या फाइलेरिया के केसेस कुछ बढ़ रहे हैं? जिस तरह से पहले पोलियो का था और उसके लिए जनता को जागरूक किया गया, तो क्या आपको लगता है कि देश में फाइलेरिया बढ़ रहा है? नहीं, फाइलेरिया केस अब धीरे धीरे घट रहे हैं, इसलिए अभी देखा जाए हमारे जनपद लखीमपुर खीरी में दिनांक 10 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक इसका कैंपेन चल रहा है, जिसमें घर घर जाके आशा बने या हमारी जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं जाके घर घर दवा खिला रहे हैं।
दूसरी चीज़ कि इस कार्यक्रम में हमारा ये टारगेट है, मतलब हमारी शासन का ये टारगेट है कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन हमारी इसे कवर हो। इसके लिए जो छोटे व्यक्ति हैं, जैसे जिसमें हमारी आशा बनी आप फ्रंटलाइन वर्कर घर घर गए हैं, उस दौरान उन घर पर नहीं मिले व्यक्ति, उसको वो उनका जो डिपो उनका घर है आशा का घर डिपो का कार्य कर रहा है, वह व्यक्ति जाके जो छूटे हुए हैं जाके उनके घर पे आशा के यहाँ दवा ले सकते हैं। और इस केस में अगर नहीं दवा फिर भी दवा नहीं खा पा रहे हैं तो फिर ये जो आशा बहन है या हमारी फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, ये इनके घर दोबारा विजिट करेंगे और दवा खिलाएंगे इसे, जिससे हमारे जो शासन की मंशा है कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा या सारी जनता हमारी दवा का सेवन कर चुके कर सके, ऐसा है प्लान। तो सर ये फाइलेरिया का जो है ये क्या मच्छर है कि किस कहाँ पर कैसे होता है ये फाइलेरिया का, कहाँ साफ पानी में होता है, डेंगू जैसा है क्या? हाँ नहीं, जैसा कि सभी लोग शायद हमें लगता जानते हैं कि डेंगू का जो मच्छर है साफ पानी पनपता है, और वहीं पे अगर हम ये फाइलेरिया की बात करें तो इसका जो मच्छर है गंदे पानी पनपता है, जैसे नालियों में जल जमाव काफ़ी समय से है तो वहाँ पे क्यूलेस मच्छर हो जाए कि एक्चुअली ये होता है जो फाइलेरिया मारता है क्यूलेस मच्छर होता है, जब हमें बाइट करता है, जब हमें काटता है इसका जो इफेक्ट आता है जो फाइलेरिया के जैसे वाउचेरिया ब्रोंकोटाइप जिसका पैरासाइट है उसके जो ग्रोथ बॉडी में ग्रोथ करता रहता है वो 5 से 15 साल बाद 5 ईयर 15 ईयर के बीच में उसके करेक्टर दिखते हैं, जैसे हमारे पैर में लेग वाला पोर्शन उस स्वेलिंग आ जाएगी, ब्रेस्ट में सूजन आ जाएगी, अंडकोश हैं उसमें मतलब कि जिसको हाइड्रोसिल बोलते हैं। इसका एक और चीज़ है जिसको हम धातुरोग के नाम से जानते हैं, वास्तव में धातुरोग ऐसा कुछ नहीं, ये क्यूलेस मच्छर से जो काटता है ब्रोंकोटाइप जो हमारा माइक्रो फाइलेरिया वो हमारे बॉडी में होता उसी से उसको कैलोरिया बोलते हैं, ठीक है, जिसको समान भाषा में धातुरोग बोला जाता है, लेकिन वास्तव में वो कैलोरिया है, ये मच्छर के थ्रू ही होता है। आपका कैंप गाँव में भी है या सिर्फ शहर तक इसको आपने अभी फिलहाल रखा हुआ है? नहीं, ये हमारे पूरे जनपद में चलाया जा रहा है, हालांकि हमारे ये इस समय हमारे जनपद में 15 ब्लॉक्स हैं, उसमें से 12 ब्लॉकों में ये कार्यक्रम चल रहा है, बाकी 3 ब्लॉक जिसमें मितौली निगासन और बिजुआ है प्लस अर्बन एरिया, यहाँ पे हमारा आईडिया कार्यक्रम नहीं चलाया जा रहा है, यहाँ पे हमारा यहाँ पे जगह जगह बूथ लगे हुए हैं, अर्बन एरिया में 6 बूथ लगे हैं, बाकी प्रत्येक सीएससी जितनी हमारी 15 सीएससी हैं या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जिसे बोलते हैं सभी जगह बूथ लगे हुए हैं, बाकी ये जो आशा बहने हैं या फ्रंट टाइम वर्कर्स घर घर जाकर दवा पिला रहे हैं। तो ये डॉक्टर साहब कब तक आपका प्रोग्राम चलने वाला है? आज ये प्रोग्राम हमारी गवर्नमेंट द्वारा 10 अगस्त से 28 अगस्त तक चलाया जाना था जो कि चल रहा है, और इसका मापा प्रमाण जो लोग मतलब जो छूट गए हैं उनको दवा खिलाने के लिए ये हमारा जो शासन की तरफ से एक लेटर आया है, निर्देश भी आया है, और इसके लिए मीटिंग भी हुई है, वो 29 तारीख से लेकर 2 तारीख तक कार्यक्रम जारी रहेगा। अगर इनकेस इस दौरान भी अगर लोग दवा कराने से छूट जाते हैं तो उसको 2-4 दिन या 1 सप्ताह और भी बढ़ाया जा सकता है। सर 1 सप्ताह बढ़ाने के बाद अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है या कोई चाहता है कि फाइलेरिया की दवा लेने के लिए तो वो जिला अस्पताल में? हाँ बिल्कुल, ये दवाएं जिसे आईडिया कार्यक्रम चल रहा है इसमें हमारी 3 दवाएं दी जाती हैं लोगों को, आइवरमेक्टिन, DEC और एल्बेंडाजोल, ये तीनों दवाएँ कोई भी व्यक्ति आके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कभी भी ले सकता है, ये दवाएँ पूर्णतः निःशुल्क हैं। बड़ी दवा होती है तो Thank you.
मैम, ये आपने कैंप यहाँ पे लगाया हुआ है फाइलेरिया का, तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा ये फाइलेरिया कहाँ से पैदा होता है, किसी कीड़े से या मच्छर से, किस तरह से ये पैदा होता है? ये मच्छर के काटने से होता है और ये पानी में जो मच्छर पनपते हैं उनसे होता है, और इसका एक परजीवी होता है जिसका नाम होता है बुकेरिया ब्रोनक्राफ्टी। जो ये मच्छर जो ये होता है, ये परजीवी होता है, ये दूसरे जब शरीर में जाएगा तो इससे फाइलेरिया होती है, और ये मच्छरों के काटने से होते हैं मादा क्यूलेक्स से। किस तरह के मच्छरों से काटने से? जैसे डेंगू होता है वो गंदे पानी, साफ पानी में होता है और उसकी ज़्यादा ऊंची उड़ान नहीं उड़ सकता है, ये किस तरह के पानी में होता है, कैसे होता है, क्या होता है? ये गंदे पानी में, जो पानी रुका रहता है उसी में होता है, और क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। आप मुझे ये बताएं क्या इन दिनों ऐसा हुआ है, ये आपका कब से कैंपिंग चल रही है यहाँ पे? ये 10 से चल रही है और 2 तक रहेगी, और यहीं पे हम लोग हैं 10 से बस स्टैंड पे। अलग अलग कैंप लगे हैं और 5 कैंप लगे हैं। कितने लोग आपने यहाँ पे अभी तक, कितने लोगों को ये दवा खिलाई है? लगभग 700 लोग। 700। अच्छा, एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा आपसे कि क्या ऐसा लगता है कि फाइलेरिया पोलियो के जैसा ये बढ़ता जा रहा है, और गवर्नमेंट ने जो आपके लिए एक योजना चलाई है, इस योजना के पीछे क्या होता है? हाँ सर, बहुत ज़्यादा ही बढ़ रहा है ये फाइलेरिया, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ये मच्छर के काटने से होता है, और अक्सर लोगों का देखो हाथी पाव इसको बोलते हैं, वैसे गांव में एक पैर, मतलब जो एक पैर होता है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, और दर्द बल नहीं होता है लेकिन जो पैर होता है वो स्वेलिंग हो जाती है, या एक हाथ में स्वेलिंग हो जाएगी, या जो मानव का वृषण होता है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, हाइड्रोसील हो जाता है इसी की वजह से। और इस मतलब कि ये आगे ना बढ़े, इसकी रोकथाम के लिए सरकार ने ये कार्यक्रम चलाया है। अच्छा, एक चीज़ और है, सरकार का ये कार्यक्रम 10 तारीख तक, जैसा आपने बताया 10 तारीख तक, 2 तारीख के बाद अगर किसी को ये दवा चाहिए होगी तो वो कहाँ मिल सकती है? ये सरकार में कोई व्यवस्था है? नहीं सर, ये 10 से इसीलिए कैंप चलाया जा रहा है ताकि आप लोग ले लें दवा। बढ़ा दिया गया, पहले 28 तक था कैंप, अब और बढ़ा दिया गया है, 3 दिन का 2 तक हो गया है, ताकि आप पहले से ही दवा ले लें, इसलिए बढ़ा दिया गया है। नहीं, उसके बाद अगर किसी को ऐसी ज़रूरत पड़ती है तो क्या जिला अस्पताल में? हाँ सर, महिला हाँ जिला अस्पताल में अवेलेबल होगी, ले सकता है। ये बताइए पहले ये फाइलेरिया क्या है और कहाँ से पैदा होता है? फाइलेरिया जैसे कि आप देख रहे हैं हाथी पाँव, जो मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है सर। सर, इसके जो सिम्टम्स जो होते हैं सर, 5 और 10 साल बाद ही दिखाई देते हैं सर। सब 5-10 साल बाद ही दिखाई देते हैं, जैसे कि हमारे जो हाथ पे और पैर पे इफेक्ट पड़ता है, और सर ब्रेस्ट हो गया, इन सब पे बहुत। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे पता चलता है कि फाइलेरिया की स्टार्टिंग हो गई है? सर कहते रहे हैं सर, हाथ पैर में स्वेलिंग आ जाएगी, फूलना स्टार्ट हो जाएगा, और दिदोरे भी हो जाएंगे सर। ऐसा बॉडी पेन वगैरह शुरू होता है, ऐसा भी होता है? जी सर, होता है। तो अभी रिसेंटली पहले जैसे पोलियो एकदम से कंट्री में आ गया, बहुत लोग उस पर, उस तरह से क्या इसको आपको लगता है इन फ्यूचर फाइलेरिया बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला कंट्री? सर बहुत फाइलेरिया बहुत ज़्यादा था सर, इसके बहुत ज़्यादा केसेस कम हुए हैं सर फाइलेरिया के। जी सर, तो कंट्री में अभी आप लोग उसके लिए जागरूक लगे हैं सर? जी, जागरूक कर रहे हैं सर सबको। कितने दिन का कैंप है आपका यहाँ पर? सर 28 तारीख तक तो था, अब सर 2 तारीख तक बढ़ गया सर। 2 तारीख तक बढ़ गया जी सर। तो कितने लोगों को यहाँ पे अभी तक आपने मेडिसिन दी? 22 सर। नहीं, आज 22, और जो मतलब 10 तारीख से कैंप लगा है तो 600 से ऊपर है। अच्छा, क्या जो यहाँ पे लोग हैं उनको आपको बताना पड़ता है? कभी ऐसा भी होता है लोग मना करते हैं कि नहीं, मैं जी सर बिल्कुल मना करते हैं, साइड इफेक्ट होगा इस तरह से मना करते हैं सर। आप कैसे कन्विंस करते हैं? गाइडलाइन करते हैं सर उन लोगों को सर, मना बहुत करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लड़के हैं जो इसके बारे में बताते हैं सर, सब हंस के चले जाते हैं सर, खाते भी नहीं हैं, और तमाम लोग तो बहाना कर लेते हैं सर कि नाश्ता वगैरह नहीं किए सर। जी सर, तो फिर गाइडलाइन करते हैं, जिनको समझ में आता है सर वो आके खा के जाते हैं सर। फिर हम लोग कहते हैं कि नाश्ता वगैरह यहाँ पे कर लो, बिस्कुट वगैरह खा लो, फिर आके खा लो दवा।